कि क्या माँ जुबीन इवेंचुअली अब्दुल्ला को माफ करके वापस चली जाएगी? अभी बता दूं? बता दे, ड्रामा कौन देखे? That's a good देखिए, हो सकता है माफ आखिर टाइम पे माफ ना करे, ना करें, ये हो सकता, करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं या नहीं चाहिए, करना चाहिए, मुझे तो मुझे लगता है करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये माजबीन की अपनी चॉइस है कि वो करती है नहीं करती, ठीक है, एंड टाइम पे वो इतनी समझदार हो जाए, हो सकता है कि वो कहे कि जो ना कि आपने मतलब अबू के हवाले से मुंशी जी के हवाले से कि जो ना उसमें आप तो जब ये उसको कहे जाने के लिए या घर ले जाए तो मना कर दे, हो सकता है इसकी बिकॉज़ माजबीन पे कहीं ना कहीं आ रही है उसकी भी कश्मकश, और कहीं ना कहीं जैसे कि उसको दिखाया हुआ है कि ये स्लो है, मगर कुछ चीज़ों में उसकी होशियारी दिखाई हुई है, उसकी समझदारी दिखाई हुई है, तो इस वजह से ये वाला जो आपने पॉइंट बोला है जो हमें भी अपने एज फ्यूशिया लगता है, क्योंकि तकलीफें और ये दुख जो है ना इंसान को थोड़ा सा एक्टिव कर देती हैं वक्त के साथ, बिल्कुल ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमने ये चीज़ें तो ये करेक्टर्स हमने देखे हैं, बिल्कुल सादा लोग, कुछ नहीं, कोई अगर कुछ भी बेवकूफ बना के जा रहा है तो बना के जा रहा है, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ वही लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, हमने अपने बड़ों को देखा है चीजें ये वो सारी तो है, वक्त तो की और जमाने की ठक्कर, हाँ, हो सकता है माफ कर दे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कि उल्टा जो है ना वो जाने के लिए खुद ही राजी हो जाए, जो भी, तो आप लेकिन एंड हो सकता है कि किसी ने मुझे मैसेज किया ना कि जो ना अगर अच्छा नहीं एंड हुआ दोनों का तो अपने लिए सिक्योरिटी रख लेना क्यों तो मुझे याद आ गया यही धमकियां मुझे गुलेराना में मिली थी, ओह माय गॉड, उसमें तो बहुत ज्यादा मिली थी, क्योंकि एंड मैंने उसमें वो सेपरेशन इनकी दोनों की दी, हालांकि राइटर ने सेपरेशन मैंने बना दी थी तो इसलिए जो भी धमकी या जो भी मुझे गुस्सा लोगों ने किया वो मुझ पे किया, तो वही चीजें फिर तो आ रही हैं, तो लेकिन देखते हैं क्या तो होता है। स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताएं कि जब आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट आया जंजबील राइटर के नाम है, सो उन्होंने जब आपको दिया तो पहली थॉट आपको क्या आई, आपको क्या एक्साइटमेंट थी? अच्छा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कहूंगा, ये मुमल भाभी को पता है, और तकरीबन मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा सिंपल है, जो कि शायद मुझे किसी ने कहा कि आजकल जो है ना ड्रामे जो चल रहे हैं वो बहुत ही यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ हैपनिंग हो, ये मैंने कहा सिंपल है, लेकिन मैंने जितने अब तक स्क्रिप्ट पढ़े हैं उनसे अच्छा लगा, अच्छा लगा, क्या वो एक चीज थी जो आपको पकड़ी गई? और इसमें एक जो सिंपल लड़की के हल्ला गुला, एक लड़का और लड़के दोनों के, बस यही छोटी छोटी बातें, सिंपलिसिटी बहुत, हाँ। अब ये बताएं कि सिंपलिसिटी के साथ इन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत वो हैं, इनकी हर चीज डायलॉग्स जो हैं बहुत पावरफुल यस हैं, बट जो यमुना के एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो अदाएं हैं, उसकी जो आंखों से वो जो बात कर रही है, एंड द बैकग्राउंड स्कोर, तो मुझे ये भी बताया कि आप बीच में, हमने एक जगह सुना था कि बैकग्राउंड स्कोर कम करवा दिया गया, बट एज मी फरा माई सेल्फ आई लव इट विद द बैकग्राउंड स्कोर, कि वो जो एक्सप्रेशन उनके चल रहे हैं ना, तो वो बहुत पावरफुल है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो क्यों अच्छा नहीं किया गया? कम नहीं, इस तरह नहीं होता, 10 साल पहले की बात है, मैं बेसिकली शॉर्ट फिल्में करता था, देखा ना, जैसे मैं कारा में विन भी की और इस तरह की चीज़ें, तो मेरा पहला सीरियल था संजा, ओके, जो पहला आप रेशम वाला बता, क्योंकि उससे पहले मैं जो ना 3-4 अवार्ड तो एक तो इंटरनेशनल ले चुका था, लेकिन सीरियल नहीं करता था, मैं सीरियल पहली दफ़ा संजा किया तो मैंने उसमें म्यूजिक नहीं रखा, अच्छा, तो रेटिंग कम आई तो मुझे कहा गया कि म्यूजिक जितना, क्योंकि अब ये ड्रामा है टीवी पे चलना है तो म्यूजिक इसका जो है अगर आप रखेंगे तो बेहतर चीज़ें होती हैं, नहीं तो फिर तो वहाँ से फिर एक म्यूजिक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा बस चले तो मैं म्यूजिक ना रखूँ, तो आपका बस चले तो म्यूजिक ना रखें, बहुत कम, बहुत कम, जैसे 26 में आपने और किया होगा इसमें अभी वाला जो एपिसोड, हाँ, बीच बीच में आपको एक खामोशी भी मिली है,
यानी रौनक देने सीन में आपने ये गौर नहीं किया होगा क्योंकि गायर जब इन्वॉल्व होता है तो म्यूजिक पे नहीं जाता कि इतना आपने देखा इसमें कहीं कहीं पे लाइट सा एक वायलेंट चला है और रोने वाले सीन में म्यूजिक नहीं है क्योंकि ये फेड आउट फेड एंड चल रहा है खामोशी फिर एक म्यूजिक थोड़ा सा आया फिर एक खामोशी मेरा है ये है ओके ठीक है मुझे बेसिकली तो म्यूजिक डिस्टर्ब करता है लेकिन क्योंकि टीवी पे लोग देखने वाले म्यूजिक तो ठीक है हम लोग कर रहे होते हैं ओएसटी कितनी पावर आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो गई है कुछ अरसे से कि ओएसटी जब स्टार्ट होता है और ओएसटी जब आता है तो वो लोगों यू नो प्लेज अराउंड एक बैकग्राउंड स्कोर आपके दिमाग में और इतना लोग उसको रिलेट करते हैं कि वो उसके अंदर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब मैं जाके मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके वो दोबारा से सीन देखूं आपको खामोशी मिलेगी आपको खामोशी मिलेगी इसमें देखें आपको रोने दीवार सीन में भी आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा कुछ जगहों पे है कुछ बहुत सारी जगहों पे नहीं है ठीक है अच्छा जाहिर है एक ओएसटी अगर देखा जाए ना मैं अपनी सोच बदलकर बताऊँ मैं तो इस पे हूँ कि वैसे तो पैकेज होता है ठीक है सारी चीजें ये लेकिन सीन जानदार होने चाहिए म्यूजिक अगर उससे सीन अच्छे होते हैं तो फिर इसका मतलब सीन अच्छे नहीं है म्यूजिक ने उठाया है बिल्कुल ये भी सही बात है ओएसटी से अगर ड्रामा उठे तो इसका मतलब ओएसटी निकाल दो तो फिर तो ड्रामा आपका ठीक है ये है पॉइंट भी नोटेड तो ये तो ठीक है ये क्योंकि फिर मैं कहता हूँ पैकेज है पूरा एक म्यूजिक ओएसटी ठीक है ये रिसेंटली बना है ये पहले नहीं था कुछ साल नहीं देखे पहले एक ड्रामा है जो कि भूलता नहीं है तन्हाइयां नहीं कभी हम खूबसूरत थे अच्छा नयारा नूर का गाना अच्छा हाँ ओके रात का आदमी मेरा फेवरेट है मैं नाम उसका तीसरा किनारा हमारे घर तीसरा किनारा ओके ये खैर वो तो मेरा फेवरेट अगर कोई पाकिस्तान में है तो रात का आदमी है या सायरा का आदमी रात का आदमी और ये ड्रामा तीसरा किनारा या परछाई जो उसका उनका पहला अब ओएसटी अगर देखा जाए तो वो बचपन में वो अभी तक कानों में कभी हम खूबसूरत उसकी सिर्फ एक म्यूजिक जो है स्टार्ट होता था और बस म्यूजिक के साथ है ये कुछ ऐसा कनेक्शन कि वो आपकी यू नो इट कनेक्ट तो वो एक कनेक्शन जिंदगी है बहुत सारी फिल्में सिर्फ म्यूजिक की वजह से बिल्कुल सो मुंशी वाला जो सीन मुंशी साहब वाला जो सीन है ठीक है द डेथ सीन तो वो एक्चुअली ही इज ऑन द बेड एंड बीइंग इन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट अच्छा खासा मुश्किल इसको देख के हम हिल गए सब लोग सो उस वक्त वो शूट करने में क्या वो क्या मुश्किल आई किस तरह हुआ एक टेक में हुआ रोल पे चल रहा था और सीन्स हो रहे थे बिकॉज वो बहुत वही जैसे आप कह रहे हैं तो खामोशी एंड एक्सप्रेशन में ही वो रहा है वो सीन पूरा अच्छा खासा लेंथी था देखें मैंने नोट किया तो शायद 9 मिनट्स का सीन था हमारे तकरीबन देखें मुझे याद है जब भी मेरे घर में कोई किसी कोई चला गया या दुनिया से तो मैं बर्दाश्त नहीं होता था मैं भाग जाता था घर से मैं भाग जाता था यानी कि हम लोग टीवी पे जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ है जो कि बंदा भाग जाए रोना धोना मुझसे अच्छा मैं तो कभी नहीं देखता रोने देने वाला या ये जो डेड बॉडी डिप्रेशन है अब जाहिर करना तो है ठीक है और किए भी हैं तो फिर एक घर में चीज़ आई कि क्यों ना इसको जो है ना बिल्कुल एक फीलिंग्स के साथ अच्छा उसके लिए मैं आपको अगर सच्ची ईमानदारी से बात करूं क्योंकि यमुना को पता है और जो भी सरा है या तो इसके लिए ना मुझे मैं जाके बैठ गया पीछे एक साइड पे आके बैठ गया और चीज़ें सोच सोच के ना क्योंकि इसमें जाहिर उसने राइटर ने बड़ा अच्छा कंगी वाला जो रखा हुआ था बहुत अच्छा टच था अच्छा अब इसमें जाहिर डायलॉग्स नहीं थे बिल्कुल जाते जाते बोलती है तो फिर नहीं नहीं वो इसमें डायलॉग्स नहीं थे ये जो डायलॉग्स है ये हुआ कि मैं जाके बैठा तो फिर कुछ चीजें जाहिर है मेरे साथ जो हुई हैं बिल्कुल थोड़े अरसे में बिल्कुल मुझे बस वो एक लाइन शुरू में ये आई कि देखना अल्लाह मेरे को कहना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या उसके लिए उसके पॉइंट रह नहीं सकता तो अल्लाह ने कहा मुझे
मुझे भी बुला ले और जल्दी बुला ले, बहुत वो मैं क्या करूंगा इस घर में, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा यह कि मैंने इसको कहा कि इसको जब उठाने लगे तो चीखना चलाना कुछ नहीं है, सिर्फ पकड़ के ना, मैं अपनी अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं अपना शायद तो ठीक है। तो इधर खाओ उसके पास कहना कि जा रहे हो वहीं मिलते हैं और वहाँ पे मिलना मिलना बहुत टफ होगा। हाँ, इसमें एक एडिट ये भी किया था, वो भूल गई थी वो, कि मिलना मिलना वहाँ पे जरूर मिलना, इस तरह ना कि वहाँ पे मिलो नहीं। वो भी बहुत एक वो सुन के तो मैं ऐसे आई वाज लाइक ये लाइन क्योंकि उस ट्रांस में थी ना कि ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे मिलो ही नहीं, दगा नहीं दे जाना, झूठ नहीं आ, कुछ ऐसा था। तो वो जो क्योंकि ये अंदर की थी, इस ये डायलॉग्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं, तो लोगों को ना इसलिए अट्रैक्ट किया, टच किया। बिल्कुल बिल्कुल।